आज इन्होंने एक बैठक करी जिसमें खड़गे साहब राहुल गांधी या जयाकर वेणुगोपाल सब लोग थे राहुल गांधी ने अंदर एक बात कही कि पार्टी छोटी हो गई थी व्यक्ति बड़े हो गए थे ठीक है क्यों आपको पहले बात पहले बात पता नहीं थी क्या जब टिकटें बट रही थी आपको बताया नही वेणुगोपाल ने उसने किस किस को टिकट दी है आपको बताया नहीं, माकन ने किस किस को टिकट दी है और किस किसके हिस्से में कितनी गई है आपको पता था ना शैलजा नाराज हैं और घर बैठी हुई हैं तो ये राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस पार्टी खुद ही लीक कर रही है ताकि कार्यकर्ताओं में मैसेज आए जब आपको सब कुछ पता था तो आप, आप किसका मूर्ख बना रहे हो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी को कहा कि हम लैंडस्लाइड तो में मैंने कहा मैं तुम लोग मूर्ख है कुछ नहीं है ऐसा जमीन पे और जिसने रिजल्ट आया उन्होंने मेरी बात मानी कि आपने सही कहा था लेकिन क्योंकि हमारा नंबर गलत है तो हम खुद को सही नहीं कह सकते ईवीएम का ढकोसला है जीत जाओ तो ठीक है हार जाओ तो ईवीएम 2009 में जब सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की अडवाणी ने भी ये कहा था तो ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है ना कि ईवीएम हरियाणा विधानसभा चुनाव निपटा और क्या ही निपटा अच्छे अच्छे लोग निपट गए नेताओं की अपनी समझ निपट गई और घूम घूम करके जो सर्वेक्षण करते थे उनके आकलन निपट गए लेकिन ये सब हुआ कैसे ऐसा क्या हुआ कि जनता के मन को जनता के मिजाज को भापने में सब असफल हो गए इसी सब मुद्दे पे आज मैं बिल्कुल छोटा इंट्रो रख रहा हूं क्योंकि मैं तुरंत आपको आदेश जी के सामने लेकर के जाना चाहता हूं और आदेश जी से समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि उनके मन में ये बात तो रही थी कि कुछ हफ्तों में चुनाव बदल रहे हैं लेकिन आखिर आखिर तक उन्हें भी ये नहीं पता चला कि जनता का मन मिजाज कहाँ जा रहा है हरियाणा चुनाव में क्या हुआ क्यों कांग्रेस पार्टी इस कदर हारी और कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आखिर समय में हरियाणा चुनाव को बदल दिया बात यह भी होगी कि हरियाणा में मिली इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने क्या हो रही है क्या कुछ हो भी रहा है या सिर्फ होते हुए दिखाया जा रहा है कैसे सर बहुत बढ़िया हाँ, हाँ बताइए मैं ठीक फोन के साथ स्ट्रगल कर रहे थे अब क्या हुआ डिस्चार्ज हो गया क्या नहीं डिस्चार्ज नहीं हुआ एक्चुअली मैं इसको साइलेंट कर रहा था ये बजे जा रहा है ओ। सब लोगों को ये जानना है कि हरियाणा चुनाव क्यों हारे हैं क्यों हारे हमें भी तो वही जानना है नहीं पहले तो मैं ये कहूँगा कि आ, मेरा अनुमान गलत हुआ जो हमने लास्ट टाइम दिया था उसकी वजह यह है कि जो एंटी जाट सेंटिमेंट था लोगों का यानी जो पोलराइजेशन हुआ जाट और गैर जाट में और गैर जाट चला गया बीजेपी की तरफ जिसको हम कहते हैं जैसे हरियाणा में कहा जाता है छत्तीस तो उसको मैं भाप नहीं पाया कि वो इतना डीप है हालांकि उसकी वजह अलग अलग है डिटेल में तो बहुत लंबी कहानी बताइए ना बताइए ना देखिए मुझे लगता है एक तो कांग्रेस के पास दो वोट थे एक जाट और एक दलित जो कि वो पिछले बीस साल से राजनीति करते आ रहे हैं पिछले 20-22 साल, बीस साल से लगभग कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश का अध्यक्ष है वो दलित है और जो विधायक दल के नेता है वो जाट है यानी आपने कहीं और किसी और जाति की तरफ देखा ही।, देखा ही तो हुआ क्या इस बार हालांकि लोकसभा चुनाव में संविधान के मुद्दे पे पूरे देश में दलितों ने कांग्रेस पार्टी को और इंडिया लाइन्स को वोट किया था लेकिन इस बार क्या हुआ हरियाणा में कि दलित वोट बैंक लगभग मैं कहूंगा 50 परसेंट ने अपने आप को गैर जाट में शामिल कर लिया तो किसके लिए लिए। हुआ? कांग्रेस के लिए। नहीं। ही भाप नहीं पाई दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा की राजनीति में हमेशा से ही सरकारी नौकरी बहुत बड़ा इशू रहा है बहुत ही बड़ा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम दो लाख नौकरियां देंगे सरकारी नौकरियां कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने स्टेटमेंट दिए कि हम अपने क्षेत्र में पांच हजार नौकरी लेके आएंगे हम बीस हजार लेके आएंगे हम पच्चीस हजार लेके आएंगे तो गैर जाट युवाओं में एक बात चली गई कि अब मेरिट पे जॉब नहीं लगेगी, कोटा हो जाएगा विधायकों का कोटा वो बात भी उनके दिल में घर गई। एक तो जाति का दबदबा हो जाएगा नौकरियों में ये भी ये भी ये भी है ये भी है ये भी, है। ये भी, है। ये भी है। हाँ? कोटे का मतलब कोटे का मतलब ही वही है तो उस बात को भी लोगों ने गंभीरता से लिया और सब चुप हो गए कोई कुछ बोला नहीं hmm. जिस दिन बोले ही बोली hmm. और मैं खुद हैरान था और मैं इसके लिए हम हम अपने दर्शकों से माफी चाहते हैं कि हैं आपके क्योंकि इसलिए है कि हम आप, हम आप आपके आपको सही खबर दें ये हमारा काम है लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जन भावनाओं को सही से पकड़ नहीं पाते उन तक पहुंच नहीं पाते और हम मैं नहीं पहुंच पाया इसके लिए मैं लोकमत के तमाम दर्शकों से माफी चाहता हूँ ये आपकी ईमानदारी है बतौर पत्रकार आदेश जी और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हम दोनों इसके लिए माफी मांगते हैं लेकिन अगर आपको याद हो तो 21 तारीख को जो हमने शो किया था 21 अक्टूबर को जो हमने शो रिलीज किया था उसमें इस बारे में बात हुई थी और अभी भी वो क्लिप मेरे पास है मैं चाहता हूँ पहले वो क्लिप एक बार प्ले हो जाए को ठीक करने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी बहुत माइनुटली काम कर रही है जो आप देख रहे हैं रैली शाह की उसके अलावा वो जो बैकडोर मीटिंग करते हैं उसमें वो बहुत चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं और बीजेपी में एक अच्छी बात यह है कि वो आखिर तक लड़ते हैं दस साल से वो गेम फिनिश नहीं मानते दस साल से उनका राज है आज उन्होंने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है और उस गारंटी कार्ड के ऊपर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो और नायब सिंह सैनी की फोटो है खट्टर साहब गायब है जबकि साढ़े नौ साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे यानी इस बात को बीजेपी समझती है कि मनोहर लाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए उनको हटाया था और इसलिए नायब सिंह सैनी को बनाया था और आज उन्होंने उनके चेहरे को ही गायब कर दिया नया है नया ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी और पीएम तो खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ क्योंकि इधर राहुल गांधी जो कर रहे हैं इस वक्त एस एससी एसटी और ओबीसी की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और उधर उद, उनका ओबीसी मुख्यमंत्री है कांग्रेस पार्टी के दो मुख्यमंत्री ओबीसी थे अशोक गहलोत और भूपेश बघेल अब तो नहीं है नहीं है ठीक है अब आपके पास एक ठाकुर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और दो साउथ uh, से हैं साउथ में कोई इनका मतलब ज्यादा है नहीं ठाकुर हु, uh, का या ओबीसी का वो एक अलग तरह की राजनीति वहां पे होती है तो बेसिकली एक रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है जहां मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने आप को आने वाले इन दस दिनों के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार हो रही है हरियाणा में और जो हमने दे मतलब लोगों ने देखा हमने क्या देखा सबने देखा कि जो च... यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हुआ था अगर आपको याद हो छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हो रहा था हर दिन जो बात हो रही थी मीडिया में सर्वे आ रहे थे सब में एक मतलब सब जगह ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और रिजल्ट कुछ और राज करने के बाद और साढ़े तीन साल का राज और उसके बाद आप रिकॉर्ड तोड़ सीट लेके आएंगे नहीं रिकॉर्ड तोड़ नहीं आदेश जी लेकिन ये उम्मीद थी मध्य प्रदेश में की मतलब सरकार बच सकती है ये ऐसा नहीं था छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल

को पी एम कह दे या मुख्यमंत्री कह दे या स्लिप ऑफ टंग हो जाए किसी नेता से उसी में चुनाव बिगड़ जाता है आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी जमानत में बाहर आ गए हैं अब वो भी हालांकि पिछली बातचीत में हमने ये डिस्कस किया था कि उनका जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का कुछ तो फर्क पड़ेगा मतलब देखिए अरविंद केजरीवाल इस वक्त तलवार एन दोधारी आप पूछेंगे कैसे हाँ हाँ बिल्कुल मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो हमें यह लग रहा है एक एक देखिए दो परसेप्शन है एक यह है कि अरविंद केजरीवाल एंटी बीजेपी वोटों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बांटेंगे जिससे बीजेपी को फायदा होगा एक लेकिन ये एक, लेकिन एक दूसरा ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल बनिया वोट को तोड़ देते हैं जो कि बीजेपी का वोट है तो उससे बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है यह मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जी। तो अभी तक जब मैं कल नब्बे सीटों का हिसाब लगा रहा था और उसको मैंने पूरा समझा मुझे कहीं भी किसी फैक्टर आपको नहीं दिखाई दिया मुझे तो ये हो सकता है कि वो जीतने की पोजीशन में नहीं है लेकिन हराने की पोजीशन में है क्योंकि बहुत सीटें ऐसी होती हैं जो आप 500 से 700 से हजार से, से 2000 से 3000 से 5000 से जीतते हैं तो वहां वो फैक्टर हो सकता है लेकिन वो देखना यह पड़ेगा कि वो नुकसान बीजेपी का हुआ है या कांग्रेस का हुआ लेकिन अभी तक जब से आम आदमी पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी की जो डाइट है को कांग्रेस कांग्रेस पार्टी पार्टी अब इस क्लिप को जब हमने प्ले किया उसमें दो बातें हो रही हैं अगर आपको याद आ रहा हो उस दिन आपसे मैंने पूछा था कि आपने सीटों का आंकड़ा दिया है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में बदलाव है आपने बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी आखिर तक चुनाव लड़ती है चुनाव बदल सकता है मैंने कहा था मैं मानता हूँ लेकिन मैंने उसके बाद एक फाइनल डाटा दिया था जी जिसको मैं वही उसी बात को माना जाएगा हालांकि जब मैंने सीटें कांग्रेस पार्टी का कम करी तो, आप से? पार्टी नाराज नाराज तो नहीं नाराज नहीं कैलकुलेट किया मुझे नाराजगी पड़ता किसी की हुँ. क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं सच लिखूँ सच बोलू और वो एक ऐसा सच होता है जो लोगों को पसंद भी आता है क्योंकि आजकल सब लोग ना ढक ढक के ही बोलना चाहते हैं तो मेरी कोशिश वो थी और मैंने कहा था कि ये झटका लग रहा है आ, लेकिन एक बात हो रहा है जितने भी एग्जिट पोल हुए उन सबका डाटा भी लगभग यही था और हमसे सीटें ज्यादा ही दी गई थी उसमें इवन जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे हुए उनमें भी लोग भाव नहीं पाए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने राहुल गांधी को कहा कि हम लैंड स्लाइड विक्ट्री से जीत रहे हैं तो मेरी बात हुई सिस्टम में मैंने कहा मैं तुम लोग मूर्ख हैं यू आर लिविंग इन फूड्स पैराडाइज कुछ नहीं है ऐसा जमीन पे

फिर बाद में शुरुआती शुर्वा, रुझान देख करके कर आपको लगा था हाँ मैं वही आपसे तो गलत हो गए जितने आप तो खैर दिल्ली से बैठ करके लोगों से बातचीत करके एक आकलन पेश कर रहे थे जो लोग ग्राउंड पे गए थे एक तरफ से कोई नहीं भाग पाया तो ये जो आपने एक और लिखा की जाट वर्सेज गैर जाट का जो मामला होगा ये कब हुआ इलेक्शन और मतलब कब हुआ कि किसी को पता नहीं चला ये होता चला गया है ना अच्छा ये होता रहा बैकग्राउंड ये, ये नहीं नहीं ये होता चला गया सेंटीमेंट डेवलप होता चला गया जो सेंटीमेंट हम पकड़ नहीं पाए जैसे जी जैसे मैंने नौकरी वाली बात करी अलग अलग टाइम पे कांग्रेस के उम्मीदवारों के स्टेटमेंट आए नौकरी को लेके तो वो सेंटीमेंट चल रहा था फिर दलित वोट में सेंटीमेंट जुड़ गया कमल जी घर बैठ गई फिर उसमें उसमें सेंध लग गई जो मैं कि मैं कहूंगा कि परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का तीन महीने पहले है भाई प्रमाण है उसके वो हो गया फिर मैं ये कहूंगा आपको एक बात मुझे ऐसी लगी इस चुनाव के के रिजल्ट देख के जी, जी, जी। कि बीजेपी ने गुजरात की तरह बीजेपी ने गुजरात की तरह दोहरा रहा हूं वापिस अपना एक वोट बैंक डेवलप कर लिया हरियाणा में जिसको हम गैर जाट कहेंगे और इसमें एक सच्चाई यह है कि यह प्यार एक तरफा नहीं है उस गैर जाट ने भी बीजेपी को अपना लिया है दोनों के बीच मोहब्बत हो गई है क्यों कह रहा हूं 2014 में मोदी जी की लहर चल रही थी सैतालीस सीटें आई लोकसभा के तुरंत बाद तीन महीने बाद 2019 में भी अच्छी सीटें कांग्रेस बीजेपी बीजेपी को मिली थी 303 आई थी 40 सीटें आई अलायंस की गवर्नमेंट बनी लेकिन अब अब बीजेपी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी 48, एट खुद रिकॉर्ड तोड़ दिया सही बात मैं कह रहा हूँ आपको मेरी कुछ नेताओं से बात हुई थी बीजेपी के जो जो हरियाणा को देख रहे थे सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से और वो बात हुई थी मेरी रिजल्ट से पहले अच्छा उनका अपर लिमिट थर्टी एट था ठीक है हम तो गलत साबित हुए वो उनको भी अंदाजा नहीं था इस बात का

कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और खुद का और छोटे नेताओं का मूर्ख बना रहे हैं जो ये हमेशा बनाते हैं इनकी एक ना वो है स्ट्रैटेजी होती है अब जैसे आजकल ना पूरा गुस्सा है पार्टी के अंदर जो जो नेता बड़ा है ना बड़ा मतलब जिसका जहाज जिसका हेलीकॉप्टर जिसकी लैंड क्रूजर जिसका सरकारी बंगला जिसकी सिक्योरिटी पे फ़र्क़ नहीं पड़ता उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये सब चीज़ें आपकी चली जाएँ तो आपको फ़र्क पड़ेगा आप सोचोगे यार मेरी मेरी सिक्योरिटी चली गई सरकारी बंगला चला गया उनके लिए कुछ नहीं होता जिन इन, जिनकी मैंने ये बताया ये पैरामीटर जहाज से लेकर सिक्योरिटी तक का बाकी जो लोग हैं जो कार्यकर्ता है, लाखों लोग होते हैं जी कोई एक आदमी नहीं होता छोटा कार्यकर्ता होता है बड़ा कार्यकर्ता होता है नेता होता है विधायक होता है मंत्री बनने वाले लोग होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक सरकार में पता नहीं कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं उन लोगों को फ़र्क पड़ता है अब ये उन लोगों का जो गुस्सा है ना उसको धीरे 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 ऐसे नीचे लेके आ रहे हैं आज इन्होंने एक बैठक करी जिसमें खड़गे साहब राहुल गांधी या जमाकंद वेणुगोपाल सब लोग थे राहुल गांधी ने अंदर एक बात कही कि पार्टी छोटी हो गई थी व्यक्ति बड़े हो गए थे ठीक है क्यों आपको पहले नहीं बात पहले बात पता नहीं थी क्या जब टिकटें बट रही थी आपको बताया नहीं वेणुगोपाल ने उसने किस किस को टिकट दी है आपको बताया नहीं अजय जयमाकन ने किस किस को टिकट दी है और किस किसके हिस्से में कितनी गई हैं आपको पता है ना कि शालिजा नाराज हैं और घर बैठी हुई हैं तो ये राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस पार्टी खुद ही लीक कर रही है ताकि कार्यकर्ताओं में मैसेज आए जब आपको सब कुछ पता था तो आप, आप किसका मूर्ख बना रहे हो तो ये ये ऐसे क्या होता है आप समीक्षा बैठक कर ली अब इन्होंने कहा कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएंगे किसके खिलाफ बनाओगे जब सब कुछ तुम लोगों ने किया है तो किसके खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाओगे ईवीएम के खिलाफ किसके खिलाफ एक्शन लोगे ईवीएम का ढकोसला है जी जाओ तो ठीक है हार जाओ तो ईवीएम 2009 में जब सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की अडवाणी ने भी कहा था तो ये तो खुद को धोखा देने वाली बात है ना कि ईवीएम जाओ ना जमीन पे देखो साफ साफ दिख रहा है रिजल्ट आने के बाद जब आ, मैंने ग्यारह बजे कह दिया था एक शानले बैठा हुआ था मैं, जाट गैट जाट हो गया मैंने वेट किया ग्यारह बजे तक क्योंकि मैं, मुझे, मुझे भी उम्मीद थी कि ये नंबर थोड़ा बहुत अपडाउन जाए हाँ। जाएगा मुझे क्लोज जाएगा वो नहीं गया मैंने ग्यारह बजे कहा कि चुनाव जाट गैर जाट हो गया लोगों को लगा कि यार ये क्या बकवास है नहीं है अब डेटा देख लो उठा के करनाल पानीपत सोनीपत साफ है कांग्रेस तो हुड्डा का गढ़ है सोनीपत जहां ये कहते हैं कि सोनीपत रोहतक झज्जर इन तीनों में तो अठारह सीट है ये तो आएंगी ही आएंगी हुड्डा साहब के नाम पे नहीं आई सोनीपत वहां राहुल गांधी ने प्रचार भी किया उन सीटों पे पर भी नहीं आई और एक और बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है इस चुनाव में 85 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के पास है दो सीट इंडियन नेशनल लोकदल और तीन सीट इंडिपेंडेंट यानी लोकसभा की तर्ज पे बाइपोलर इलेक्शन था दो पार्टियों के बीच था जी. अब मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल पार्टीज के लिए चिंता का विषय है अगर नेशनल राष्ट्रीय इशू पे चुनाव हो रहा है पार्लियामेंट का या राष्ट्रीय पार्टियों के बीच हो रहा है समझ में आता है विधानसभा चुनाव में भी अगर लोग रीजनल पार्टीज को वोट नहीं दे रहे ना तो सोचना चाहिए उन लोगों को जो भी मुखिया बन के बैठे हुए हैं ये मुझे लगता है ये चिंता का विषय है ये चिंता का विषय है मेरे सब मेरा सवाल एक दो सवाल और हैं इस टॉपिक पे और बहुत बहुत बेबाकी से आप बोल रहे हैं एक तो सबसे पहले कि लोकसभा इलेक्शन के बाद जो एक हवा चली या कांग्रेस ने हवा चलवाई मैं तो यह कहूंगा ब्रांड राहुल को लेकर खबरें क्या, क्या होता है जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है जीतती है कोई भी पार्टी हो प्रधानमंत्री मोदी जब 240 पे आए लोकसभा चुनाव में उसके बाद से उनका थोड़ा ग्राफ डाउन था राहुल का ग्राफ अप था फिर संसद के अंदर जो भी बिल्स आ रहे थे जो भी हो रहा था बिकॉज ऑफ एन के जो अलाइंस थे उनके कारण वो वापस हो रहे थे क्रेडिट कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा था कि हमने इसको वापस करवा दिया ठीक है ना ऐसा राजनीति में होता है तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लॉन्ग टर्म ऐसा इसके मतलब रिप्रिकॉशंस होंगे कि राहुल गांधी का ब्रांड डूब जाएगा या मोदी का ब्रांड ऊपर चला जाएगा या बाईस वर्षा हो जाएगा ऐसा नहीं होता ठीक है नुकसान एक, तो हुआ ही ना ब्रांड नहीं नुकसान तो होता है एक जो मोमेंटम राहुल गांधी का था जो चल रहा था एज ए एल ओ पी उसमें थोड़ा सा हल्का सा रुकावट आती है जैसे क्या बोलते हैं उसको लाइक स्पीड ब्रेकर कि आपकी गाड़ी एक बार ऊपर ऐसे फ्लो में चल रही थी हाईवे पे और वहां स्पीड ब्रेकर आ गया पता नहीं लगा आपको और गाड़ी जम कर ये वैसा है अगर ड्राइवर ने संभाला तो ठीक नहीं तो टकरा भी जाएगी आगे कहीं जाकर के देखो यार मैंने कल एक बात कही कि कुछ नहीं करेगी कांग्रेस मुझे पता इस हार के बाद कुछ नहीं करेगी कभी भी नहीं करती मैंने कल एक बात कहीं रिपीट कर देता हूँ कि कांग्रेस जो है ना वो हरियाणा रोडवेज की बस की तरह है जिसके पीछे लिखा होता है या तो यूं ही लेगी <laughs> हाँ और उस बस का ड्राइवर कौन है कौन है राहुल गांधी कंडक्टर कौन है वेणुगोपाल तो कुछ नहीं करेंगे ये लोग मैं आज कह रहा हूँ लिख लिख लो चलिए सत्रह साल से कांग्रेस पार्टी कर रहा हूँ जी जी जी। मैं इनकी रग, रग जानता हूँ ये कब क्या करेंगे अच्छा इस पर क्या करेंगे जैसे हरियाणा तो उनके हाथ से गया लेकिन जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं उन्होंने ये कहा है कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर के सरकार चलाने की कोशिश करेंगे आ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ी उसका एक मुख्य मुद्दा रहा है धारा तीन की बहाली कांग्रेस पार्टी वहां गठबंधन में सरकार में होगी अगर मान लीजिए कि कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये मुद्दा उठता है या सरकार वहां कोई बिल लेकर के आती है विधानसभा या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तो उस बात को लेकर कांग्रेस को घेरेगी इस पे कांग्रेस का कुछ प्लान है या फिर ये यूं ही चलेगी वाला मामला है जैसा नहीं नहीं अभी कोई प्लान नहीं है लेकिन वो क्या करेंगे उससे किनारा कर लेंगे कैसे करेंगे बताता हूँ ना कैसे करेंगे अच्छा सरी. वो जनरली पता क्या है आप आप देखोगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नंबर है ना वो इतना ज्यादा है कि उन्हें ज्यादा जरूरत किसी की है नहीं तो जम्मू में बहुत खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी काम ही नहीं किया तो जब चुनाव गया जैसा तो तो छोड़ दो इंटरव्यू करेंगे <laughs> <laughs> वो अलग कहानी बन जाएगी अच्छा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अच्छा ठीक है पहले इस पर हमें जाना जम्मू है हम पहुंच जाएंगे पुण्डुचेरी कोई फायदा नहीं है चलिए तो ये लोग इसमें पहली बात तो ये है कि 370 को लेके एनसी आ, एनसी को जो वोट पड़ा है ना वो एक कश्मीर के लोगों का सेंटीमेंट है हमें ये बात समझनी पड़ेगी पीडीपी को उसका नुकसान इसलिए हुआ है कि वो पहले उसके साथ अलायंस में चले गए बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ तो अब एनसी जो है ये बात घाटी में चिल्लाती रहेगी बेसिकली ये मैटर पार्लियामेंट का है ठीक है ठीक है बीजेपी के पास नंबर नहीं है सबको पता है इंडिया अलायंस जो है वो पूरा का पूरा इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता कोई भी नहीं कर सकता कांग्रेस भी नहीं कर सकती अखिलेश भी नहीं कर सकते केजरीवाल नहीं कर सकते लालू नहीं कर सकते कोई नहीं कर सकता कोई नहीं कर, नहीं कर तो बेसिकली क्या होगा वो वहाँ चिल्लाएंगे अपने वोटर्स को मतलब मैसेज देने के लिए और इधर बीजेपी इन पे कि बताओ तुम्हारा स्टैंड क्या है तो ये एक पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहेगा इसमें होगा कुछ अब जैसे वक्फ बोर्ड का बिल आया संसद के अंदर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू कुछ बोले तो नहीं नहीं लेकिन फिर भी वो जेपीसी को चला गया अंदर ही अंदर ये वैसे ही होगा ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा यूं ही चलेगी वाला कांग्रेस कांग्रेस पार्टी को तो आदत है अलाइज के साथ सरकार चलाने की चाहे वो यूपीए के दस साल देख लो आप कितने अलाइज थे लोग तो मास्टर है अच्छा हरियाणा चुनाव जैसे कांग्रेस पार्टी हारी उसके बाद आप इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने भी इशारों इशारों में कहा कि अति आत्मविश्वास में नहीं जाना चाहिए था शिवसेना की तरफ से भी आवाज आई उद्धव ठाकरे की गुट की बात मैं कर रहा हूँ झारखंड से भी बातें आ रही है तो दो चुनाव सामने है महाराष्ट्र का और झारखंड का कहा तो बात हो रही थी कि हरियाणा में ये जीतेंगे तो ये बढ़ चढ़ के दावा पेश करेंगे अब इनकी क्या स्थिति होगी इन दो राज्यों में विफलता ना अनाथ होती है उसका कोई नहीं होता इनके साथ वही हो रहा है महाराष्ट्र में क्या होगा इनको पता है वहाँ क्या करना है क्या करना है अलाइज की सरकार बननी थी दोनों जगह झारखंड में भी हो और महाराष्ट्र में भी वहाँ उद्धव ठाकरे को लेके एक सेंटीमेंट है कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया और उनको हटा दिया एम एल तोड़ दिए शरद पवार को लेकर एक सेंटिमेंट है सुप्रिया को लेकर आप देखो कैसे हराया अजित पवार को चुनाव उनकी भी उनकी वाइफ को और कांग्रेस क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी स्ट्रोंग होकर उभरी है महाराष्ट्र के अंदर तो वो भी एक इनके पास एक, एक पॉजिटिव फैक्टर है अब सेम झारखंड में हेमंत सोरेन उनकी पत्नी मिलने आए थे राहुल गांधी खड़गे साहब थे उनकी मुलाकात हुई तो अलाइंस वाला खेल है वो हो जाएगा लेकिन मुझे ये नहीं लगता जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए मैं आपके दर्शकों को भी बोल रहा था राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाएंगे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे राहुल गांधी महाराष्ट्र में एक्सपीरियंस के मूड में नहीं है एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं माफ कीजिएगा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और जिस दिन जब राहुल जब जिस दिन उद्धव ठाकरे मिलने आए थे सोनिया गांधी से राहुल गांधी से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई मुझे लगता है उनके बीच में बातचीत हो चुकी है हाँ, एक मांग थी आ, कि इनको पहले घोषित कर दो अनाउंस कर दो कि यही मुख्यमंत्री होंगे उस पर कांग्रेस नहीं मानेगी लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं होगा लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये यह है आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कोई प्रयोग नहीं करेंगे महाराष्ट्र में उन्होंने अपना मन बना लिया है भाई साहब राहुल गांधी ने तो हरियाणा में भी मन बना लिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करवा दो कई दौर की मीटिंग भी हुई थी राहुल गांधी के मन बनाने से कहा कुछ हो रहा है कांग्रेस में दोनों बातों में फर्क है एक 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 रीजनल पार्टी को आ, कुछ सीटें दे देना और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री तय करना और उसमें अपनी पार्टी का स्टैंड बताना कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्या होगा क्या होता है छोटी बातों को वो ना वो स्टेट लीडरशिप पे छोड़ देते हैं उन्होंने क्या कहा था राहुल गांधी ने कहा था कि भाई अगर स्टेट लीडर्स एग्री हो तो उनको भी देख लो ऐसा बोल राहुल गांधी कभी ना जाके पुश नहीं करते कि हाँ बस कर दो ये मैंने कह दिया तो महाराष्ट्र का जो फैसला है वो थोड़ा सा डिफरेंट फैसला है बड़ा फैसला है वो तीन पार्टियां हैं शरद पवार जैसे नेता हैं उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति पिछले पांच साल में सेकुलर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गए है ना किस कैसे हो गए क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया इसलिए हो गए आज शिवसेना को मुसलमान वोट दे रहे हैं किसने सोचा था तो राजनीति में कुछ भी

कुछ फर्क पड़ा नहीं लगभग बीस साल से वही चीफ मिनिस्टर है जैसे वो वो नहीं जैसे वीडियो गेम खेलते हैं वो खेल रहे हैं वो मैं ही हूँ खेलते हैं अपने मोहरे मार रहे हैं उधर बैठ के फिर अपना चल रहे हैं मतलब एक आदमी दोनों कांग्रेस आरजेडी और बीजेपी तीनों के साथ तीनों के साथ रह रहा है <laughs> और वो चीफ मिनिस्टर है और जनता वोट भी दे रही है दिलचस्प है उत्तर प्रदेश मैंने आपसे बात की थी आपने कहा कि उपचुनाव होने वाले हैं आपने कहा बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं देश में कहा तुम उपचुनाव में लगे हो अब सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पे अपनी घोषणा कर दी है क्या वहां भी नहीं हो गठबंधन सीटों पे घोषणा कर दी है गठबंधन अभी खुला हुआ है गठबंधन होके रहेगा होके रहेगा बड़ी बड़ी पार्टी ऐसी करती है चलिए इन बड़ी बड़ी बातों के बीच हमारे जो आ, कुछ बड़े सवाल हैं दर्शकों के आपको पता है इस एपिसोड पे लगभग 600 कमेंट्स आए बहुत बढ़िया 600 में आ, चार सौ कमेंट होंगे जो पिछली बार आपने कहा था कि नाम नहीं बता पाएंगे वो नाम लोगों ने बताए अजय माकन का नाम लोगों ने कहा है शामिल करवाने वाले जनता जनार्दन है नहीं, सही है कि गलत ये तो बता दीजिए या कोई और नाम था जनता जनार्दन है उनको सब पता है सही पता है ना मतलब मैं क्या कह रहा हूँ जनता जनार्दन है उनको सब पता है आपने भी एक ट्वीट किया था कि अजय जब राहुल गांधी के रैली में बंसल साहब शामिल हो गए थे उसके बाद अजय माका जी ने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको शामिल करवाया था वो कुछ संदेश देना चाह रहे थे हालांकि हरियाणा तो गया हाथ से क्या संदेश देना चाह रहे थे उन्होंने संदेश ये दिया कि हड्डाज और तवर के बीच में अशोक तवर के बीच में काफी झगड़ा था और वो झगड़ा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था उन दोनों को एक कर दिया या जमाखन कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था मैं उस संदेश की बात कर रहा था अच्छा मुझे लगा कि वो दोबारा से शामिल करा के उसका क्रेडिट लेना चाहिए पूरा शामिल नहीं, करवाने नहीं, नहीं आपने मैंने शामिल करवाया आपने वो तस्वीरें नहीं देखी वो तो सबको ही पता है उन्होंने शामिल करवाया वो तो सबको पता है लेकिन वो तस्वीर जो थी ना दीपेंद्र हुड्डा खड़गे साहब और अशोक तंवर वो बहुत इंटरेस्टिंग थी मतलब इन दो लोगों को मिलवाना हुडास को अशोक थवर को ये बड़ी बात मानता हूं मैं और ये जमा नहीं कर सकते थे इसलिए मैंने उसमें कहा था कि कवि जो है वो एक संदेश देना चाहते हैं हाँ वो आजकल वो ट्विटर पे आप लिखने लगे हैं लगातार कवि संदेश क्या देना चाहता है चलिए अच्छा ये बताइए ये जो पाठकों के सवाल होते हैं वो जवाब देने में आपको मजा आता है ना हरीश हमारे दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि आदेश जी दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनाई है उसको लेकर अंदर की जानकारी दीजिए अंदर वाली जानकारी क्या यह तय हो चुका है कि दिल्ली में भी कांग्रेस आपका गठबंधन नहीं होगा अभी तक लग रहा है कि नहीं होगा अच्छा क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उनसे अलायंस हो और अब क्योंकि जब हरियाणा में नहीं हो पाया तो केजरीवाल भी नहीं चाहेंगे तो मैं अब ये तो देखो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता लेकिन ताजा जो आज की परिस्थिति है उसको देख के लगता है कि नहीं होगा तो रणनीति क्या है फिर कांग्रेस की दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने की है अभी इन्होंने एक पदयात्रा डिजाइन की है पदयात्रा पदयात्रा डिजाइन की राहुल गांधी, गांधी प्रियंका गांधी अच्छा जो भी सीनियर लीडर्स हैं बाकी तो अलग अलग इलाकों में उनको लेके जाएंगे पदयात्रा डिजाइन की है उसको देख के मुझे लगता है कि अलायंस नहीं होगा वैष्णवी है वो पूछती हैं कि अशोक तवर पांच साल तक अलग अलग पार्टी में रहे वहां कुछ नहीं मिला तब अचानक कांग्रेस कांग्रेस में में शामिल हो गए लहर देखकर अशोक तवर ने पाला बदल लिया इससे के कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे क्या नहीं, नहीं बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने पे या पार्टी में आने से कौन नाराज होता है ये तो एक रूटीन है प्रोसेस है सब पार्टियों में कोई भाजपा से कांग्रेस जा रहा है कोई ये 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 तो तो हर पार्टी में होता है मुझे नहीं लगता इससे कोई कार्यकर्ताओं तो में फर्क पड़ता है लेकिन अशोक लेना मुझे कांग्रेस पार्टी ने उसमें अपना फायदा भी देखा है हरियाणा के चुनाव में बीजेपी लगातार दलित के मुद्दे को बुना रही थी और उसमें कुमारी शैलजा जो है वो लगातार स्टेटमेंट्स दे रही थी अपनी तरफ से क्योंकि उनकी भी नाराजगी थी और उसमें इनको लास्ट तक लग रहा था कि हम कैसे इस दलित इश्यूज़ को डैमेज कंट्रोल करें तो ये उसकी कड़ी का हिस्सा था तो ऐसा नहीं है अगला जो ठाकुर जी इनका बड़ा लंबा सा सवाल है मैं ये सवाल क्या मैं चाहूंगा कि ये मैसेज अगर आपको लगे तो आप ऊपर तक पहुंचाइएगा मुझे लगता है ठीक है यहीं से जो कह सकता हूँ वो कह दूंगा आपके माध्यम से

हाँ आपके माध्यम से बेहतर माध्यम से आ, आपके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता था इसलिए मैं आ, आपको ये बताना चाहता हूँ कि मधुबनी जिले में मैं मेरा गांव है 500 घर हैं उसमें सिर्फ मेरा परिवार बचा है जो कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करता है राहुल गांधी तक आपके माध्यम से ये पहुँचाना चाहता हूँ कि आरक्षण की राजनीति करना उसे बढ़ाने की बात करना सही है मैं आपसे प्रोग्रेसिव राजनीति की उम्मीद करता हूँ आप सचिन पायलट जी से देखिए कितना लंबा मैसेज है मुझे नहीं पता इसको कैसे मैं कंक्लूड कर दूं सचिन पायलट जी से है आपकी बात या आपकी बात होती है तो मेरी तरफ से जरूर उन्हें जादू की झप्पी दीजिएगा देश की राजनीति में सचिन जी मेरे प्रिय नेता हैं अब बताइए इसको मैं क्या कहूँ ये सवाल है मैसेज तो है सुझाव है उनका ये मैसेज है संदेश देना चाहते हैं वो मैं वो तो नहीं कर पाऊंगा झप्पी तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन कह जरूर दूंगा कि कैसे आपके

तो यार हम तो इंटरव्यू कर सकते हैं ना हम पार्टी कर देंगे <laughs> इसीलिए रख हम रखा तो बातचीत कर सकते हैं हाँ। भाई वहाँ क्या ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है अठारह बीस साल से वहाँ कांग्रेस पार्टी है नहीं पहली बार उड़ीसा की पूरी कांग्रेस कमेटी यानी ब्लॉक से लेके जिला प्रदेश कमेटी पूरी भंग कर दी गई शिकायत पता क्या थी क्या सारे दूसरी पार्टियों से मिले हुए सब शामिल हैं कोई की पार्टी से कोई बीजेपी से उन सब के सबूत थे प्रभारी ने दिए और तब सब रिज़ोल्व किया गया अब दोबारा से खड़ी करने की कोशिश चल रही है इससे बड़ी बात क्या कह दूंगा और आगे ये सवाल नहीं है तो एक सुझाव है हमारे आ, एप्सलोन एकेडमी ऑफिशियल इनका नाम है आ, हैंडल है वो कहता है मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है हमेशा अपने मेहमान को दाई और बैठाइए भाई साहब मैं कहता हूँ उनको दाई और बैठने के लिए यही नहीं हैं। बैठते हैं आ, आप ही वहां बैठते हैं बताइए नहीं रहने दीजिए हाँ। उसको बाद में इसलिए कह रहा है एक समस्या है वो आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो वाकई में ऑफ कैमरा रहनी चाहिए ऑफ कैमरा भी नहीं आनी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए बातचीत करेंगे